बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको एक बाजू का बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बताऊंगी, जो कि फ्रिल वाले बाजू है और उसके ऊपर बहुत प्यारी सी टाई है। उसकी कटिंग के लिए सबसे पहले हम बाजू के कपड़े को सीधा कर लेंगे और ये फ्रिल वाले कपड़े को लैदा कर लेंगे। ये हम फ्रिल वाले कपड़े को हमें कुल बाजू की लंबाई लेंथ चाहिए 20 इंच। तैयार बाजू, इसके साथ ये फ्रिल को हम अटैच करके इसकी लेंथ पूरी करेंगे। और ये 20 इंच पर इधर हम निशान लगा लेंगे कंधे का। ये इधर हम 20 इंच पे इसको तैयार करके इसके कंधे का इधर निशान लगा लेंगे। अब हमने इसके दस इंच कंधा चाहिए हमें और इधर हम इसको 10 इंच पे इधर निशान लगा लेंगे। ठीक है, इधर से हम कंधे की ऐसे कटिंग कर लेंगे। यहां से ये 6.5 इंच है तैयार और हम इसको 7 7.5 पे इसकी कटिंग कर लेंगे। ये इसको बराबर करने के बाद ये जो बॉर्डर वाला डिजाइन वाला कपड़ा है, हम इसकी इसके ऊपर फ्रिल लगाएंगे। ये देखिए, ऐसे हम इसकी फ्रिल तैयार कर लेंगे। अब हम मशीन का वहिया बड़ा करके फुल करके और इसको इसकी डबल सिलाई लगाएंगे। के बाद हम इनको इसे चून डाल लेंगे। ये देखिए, अब हम इसको फ्रिल इसके साथ स्टिच कर लेंगे।
ये हमारी फ्रिल इसके साथ अटैच हो गई है। अब हम इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे, ऐसे सीधे करके इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। अब फ्रिल के बाद बारी आती है टाई की। अब टाई हमने कैसे तैयार करनी है ये मैं आपको बताती हूँ। ये आप एक कपड़ा ले लें और उसको इतना चौरस से बना के इतनी कटिंग कर लें और ऐसे इसकी सिलाई कर लेंगे हम इसको। टाई आपने अपने हिसाब से तैयार करनी है। अगर आप छोटा साइज की बनाना चाहें तो छोटा ले सकते हैं, लेकिन मैं इसको ज़रा मीडियम तैयार करूँगी। तो ये 6 इंच की मैंने इसकी लेंथ ली है और 4 इंच इसकी चौड़ाई है। ये तैयार होके कम हो जाएगी। लो अब मैं सिलाई करती हूँ। हम इसको ऐसे सीधा कर लेंगे। ये देखिए आप इस कपड़े को हम ऐसे करके दरमियान से ऐसे करके इसको बहुत प्यारी सी टाई बना लेंगे। ये देखिए हम ऐसे इसकी टाई तैयार कर लेंगे। ठीक है, अब टाई को बाजू के दरमियान में इधर से ऐसे रख के इसको हैंड स्टिच करेंगे। ये देखिए, ये हमने इसके ऊपर ये डिजाइन बना ली है और ये बड़ा प्यारा सा बटरफ्लाई वाला डिजाइन फ्रिल बाजू तैयार हो चुका है हमारा। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।